तुझको बहुत दिल से गजल गाना अच्छा लगता है, ठुमरी गाना अच्छा लगता है, नाट्य गीत गाता हूँ मैं, भजन गाता हूँ, अभंग गाता हूँ, और ऑफ कोर्स माय फर्स्ट लव इज़ क्लासिकल म्यूज़िक, और वो तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझको गाना। पर जब मैं मेरा प्रोग्राम प्लान करता हूँ तो ये होता है कि अभी सब फास्ट फूड का ज़माना है, तो बहुत ऑर्गेनाइजर ऐसे बोलते हैं कि आपका जो क्लासिकल है ना वो थोड़ा सा एक छोटा एक 15-20 मिनट आप सुनाइए या 10 मिनट, और उसके बाद नाट्य संगीत या अभंग या ये सब आप करिए। तो मैं एक बात करता हूँ कि हमेशा ये फॉलो करता हूँ कि पहला एक 45 मिनट्स टू 1 आवर मैं मेरे ऑडियंस को ये बात बोलता हूँ मेरे प्रोग्राम में कि मेरी जो बात है वो आप इंटरवल तक सुनिए, उसके बाद आपकी जो बात है, आपको जो चाहिए वो मैं गाऊंगा, आपको जो भजन चाहिए, जो ठुमरी चाहिए, जो नाट्य गीत चाहिए वो सब मैं गाऊंगा। तो ऐसे में मेरा मेरा कॉन्सर्ट प्लान करता हूँ। अदरवाइज इट्स अ थीम कॉन्सर्ट, सो अगर प्रोग्राम रागदारी का है तो सिर्फ रागदारी गाता हूँ, अगर प्रोग्राम नाट्य संगीत का है तो वैसे करता हूँ। पर दो तानपुरों के बीच में बैठ के मुझको क्लासिकल गाने में जो मजा आता है वो सबसे ज्यादा है। मुझको ऐसा हमेशा लगता है कि म्यूजिक इज सो क्लोजली रिलेटेड टू द नेचर अराउंड अस, और मैं ये एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ कि क्लासिकल म्यूजिक या कौन सा भी म्यूजिक, कौन सा भी म्यूजिक ऐसा है कि इफ यू आर अ पेंटर देन एंड इफ यू आर पेंटिंग, अगर एक चित्र आप कर रहे हो, अगर एक पेंटिंग आप कर रहे हो, तो आपके पास तो सब रंगों का डिब्बा होता है, तो आप सब जो आता है मन में तो सब रंग आप ऐसे यू यू डोंट यूज ऑल द कलर्स, राइट? अदरवाइज इट विल नॉट लुक गुड। कौन सा रंग कितना किधर जरूरी है ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। और मुझको ऐसा लगता है कि हमारा जो रियाज है एज अ क्लासिकल सिंगर, वो रंगों का जो डब्बा है वैसा होता है कि चलो मुझको तान आता है, तान आती है, मुझको गमक करना आता है, मुझको जबड़ा करना आता है, मुझको सपाट तान करनी आती है, मुझको बहलावा आता है, मुझको ये सब जो स्किल सेट होता है वो सब आता है। वो सब अगर मैं एक ही गाने में या एक ही बंदिश में करूं तो उस बंदिश की उसको जरूरी है वो। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास तानपुरा नहीं है, मैं होटल में हूं अभी, तो एक एज एन एग्जाम्पल आई विल गिव यू, यार वे ना आयो रे यार वे ना आयो रे यार वे ना आयो रे सोज पर ना आज मोहे यार वे ना। अभी याद मन मोरा करतनी ठुरा रे याद मन मोरा मन मोरा याद मन मोरा करतनी ठुरा रे सूरत दिखा जार आज मोहे यार वेना। इतनी सुंदर बंदिश है कुमार जी की। अभी अगर इसमें मैं आ यार, तो जैसे मैंने कहा कि ये जरूरी है नहीं है, क्यों करना है आपको, क्यों करना है आपको, दिखाना है कि मुझको ये आता है, मुझको वो आता है। संगीत में ऐसा है कि जैसे हम जो संगीत का सफर है वो इतना इंटरेस्टिंग है और हमेशा इट लीड्स टू अ पाथ विच टेक्स यू इफ यू हैव सॉफ्ट फोकस। आई डोंट नो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग।
समझ लो कि आप एक स्काई स्क्रेपर है, उधर से आप छलांग लगा रहे हो, और वो जो छलांग है जिसको फेंक बोलते हैं गाने में, खुद को उसमें फेंकना चाहिए, यानी विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। इफ यू जस्ट फ्लिंग योर सेल्फ फ्रॉम अ बिल्डिंग, यू डोंट नो वेर यू आर गोइंग टू लैंड, बट यू नो फॉर अ फैक्ट दैट वेर एवर यू आर गोइंग टू लैंड विल बी अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। एंड एक्सप्लोरिंग दैट इज आई फील द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अ म्यूजिशियन कैन डू। इसके लिए मुझको ऐसा लगता है कि जब कुमार जी, जब भीमसेन जी, किशोरी ताई, मेरे दादाजी वसंतराव जी, जब भी वो, अगर यमन ही गाना है तो यमन, अगर हमको एवरी टाइम व्हेन यू सिंग यमन, इफ यू आर टेकन ऑन अ राइड, यू मस्ट बी सेंसिटिव इनफ टू अंडरस्टैंड द इंट्रिक, नॉट द इंट्रिकसीज, बट द लिटिल थिंग्स विच आर देयर ऑन योर पाथ। दैट्स वाई यू नीड सॉफ्ट फोकस। और जब ये होता है तब वो अलग ही सामने आता है। आज उसका सौंदर्य, या इट यू यू माइट फाइंड ब्यूटी इन ओनली एक्सप्लोरिंग वन फ्रेज, फॉर एग्जाम्पल, यार वे ना आ, अभी ऋषभ पे मैं काम करूंगा। उस दिन अगर मुझको लगा कि अरे ठीक है गंदार निषाद है तो ठीक है, पर मुझको आज ऋषभ पे ही एक्सप्लोर करना है, तो वो अलग हो जाएगा। आज मुझको लगा कि चलो नहीं पंचम करते हैं, या नॉट जस्ट एनी सुर, बट इट इज ऑल्सो अबाउट द फ्रेजिंग, ऑल्सो अबाउट द स्टेट, म्यूजिकल स्टेटमेंट दैट यू मेक। आई थिंक अ म्यूजिकल स्टेटमेंट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स वाई आई लाइक कुमार जीज म्यूजिक। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि मधुवंती की उनकी बंदिश है, बैर न बरखा रे तू आ ये बोल न लागे मन विहंग पापी आ मुरे पिया बेन कछुना सुहावे बैर ना बरखा रे तू आ। सो ये म्यूजिकल स्टेटमेंट है। इसके लिए मुझको नहीं लगता कि आपको, अगर बंदिश ऐसे ही कह दे, आप रख दे सामने, तो लोग कहेंगे क्या बात है, क्या, व्हाट अ ब्यूटिफुल थिंग दिस इज। मैं कैसे आऊं मैं कैसे आऊं बाल मां, बूंद ना बूंद ना भीगे मोरी सारी रे मैं कैसे आऊं बालू माँ। एक तो मेहा एरी झमा झम चमके, एक तो मेहा एक तो मेहा एक तो मेहा एक तो मेहा एरी झमा झम चमके, दूजे पावल झकोरी रे
मैं कैसे आऊं बाल माँ, बाल माँ, बाल माँ, मैं कैसे आऊं बाल माँ, मैं कैसे आऊं बाल माँ, मैं कैसे आऊं बाल माँ। फ्यूजन के लिए ना बहुत यू नीड अकम्पनीमेंट। सो फ्यूजन है क्या कि फ्यूजन का ऐसा है कि मुझको लगता है सबसे अच्छा फ्यूजन हमारे फिल्म हिंदी फिल्म्स में हुआ है, फिल्म म्यूजिक में हुआ है, विच हैज बीन एबल टू यू नो इन्फ्यूज ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक। सो जैसे रवि जी ने भी किया था, आई थिंक इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स। और जैसे मैंने कहा कि फिल्मों में बहुत अच्छे से फ्यूजन होता है, अलग अलग अफ्रीकन म्यूजिक हो या लैटिन म्यूजिक हो या वेस्टर्न म्यूजिक हो। तो आजकल जो फ्यूजन चलता है वो फ्यूजन से ज़्यादा थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। अगर आपको वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गाना हो तो उसको फ्यूजन क्यों बोलते हैं मुझको पता नहीं। अगर तबले के बजाय आपको आप ड्रम लेते हो तो उसको आजकल फ्यूजन बोलते हैं। और मैं ये सब बहुत ज़्यादा करता था, पर मैं आपको एक बात दिल से बताऊं कि मेरे लिए जब मैं ज़्यादा ये बातें करता हूँ, मेरे पिताजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि एक वो बहुत प्यूरिस्ट है। पर आई एन्जॉय डूइंग फ्यूजन अ लॉट, और त्रिलोक दादा के साथ या रणजीत भाई के साथ मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए। पर वो उनका जो विजन है वो फॉलो करना या वो फॉलो करके अगर वो प्रोग्राम प्रस्तुत होता है तो उसमें थोड़ा मीनिंग आता है। अदरवाइज ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ड्रम्स के साथ अगर मैं अलबेला गाता हूँ, अलबेला सजन आयो रे टिक टक टिक, तो इसमें श्रोताओं को मजा आता है। पर अगर आप मुझको ऑनेस्टली पूछे तो ठीक है, अभी मैंने ये सब बहुत बहुत ज़्यादा किया है और उसमें जो मज़ा आता था वो उतना मज़ा अभी नहीं आता मुझको ऑनेस्टली, क्योंकि तो हम क्या करते हैं, एक परफॉर्मर के नाते, परफॉर्मर ये यूज कर रहा हूं मैं वर्ड, यू हैव टू एंटरटेन, थोड़ा प्रबोधन भी करना चाहिए। तो अभी एंटरटेनमेंट फैक्टर ज्यादा हो गया है, उसके साथ आपको एक्स फैक्टर चाहिए। मुझको ये पता नहीं कि म्यूजिक में एक्स फैक्टर माने क्या। अगर आपको अच्छा संगीत सुनना हो, अगर आप अच्छा संगीत सुन रहे हो तो नेचुरली आपके आपकी जो आंखें हैं वो बंद होनी चाहिए और आपको उस अनुभव में आनंद मिलना चाहिए, ना कि ओह क्या बात है। इट्स नॉट अ इट्स एंड इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ विजुअल आर्ट, ऐसा मुझको लगता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।